या बिल्कुल, मैं सबसे पहले गाना चाहूंगा ये गाना। हो जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिकटॉक टिकटॉक तू चल दी, हाय कलेजे विच डुगी वज दी, कलेजे विच डुगी वज दी, ओहो कलेजे विच डुगी वज दी, आहा कलेजे विच डुगी वज दी, जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिकटॉक टिकटॉक तू चल दी, हाय कलेजे विच डुगी वज दी, कलेजे विच डुगी वज दी, ओहो कलेजे विच डुगी वज दी, आहा कलेजे विच डुगी वज दी। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज योर्स राजा सगू। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गाना रिलीज हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा। या ओके पाजी, ये भी जानना चाहेंगे, पहले आप कॉमेडियन थे फिर आप सिंगर, ये कब आपने सोचा कि मुझे कॉमेडियन से सिंगिंग में आना चाहिए? आना नहीं चाहिए था, मैं पहले से ही सिंगर था, तो बीच में मुझे ऑफर मिली कॉमेडी करने की। मेरा फ्रेंड था राजीव टिंगरा, उसने बोला यार तू कॉलेज टाइम में, जिसने फिरंगी डायरेक्ट करी है, और कि तू कॉलेज टाइम में तू देवनंद की एक्टिंग करता था, सिंगिंग तो तू करता ही है, गाता था यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, वैसे हम कपिल सब मिलके प्रोग्राम करते थे, लेकिन इसी तरह उसने मेरे एक्ट देखे थे, तो मुझे बोला यार एक शो शुरू हो रहा है हेलो कौन पहचान कौन, उसमें करना काम, तो देवनंद करता तो उसमें देवनंद, मैं क्या देवनंद नहीं कर सकता, फिर मैं ये कर सकता हूँ। तो मतलब बीच में मुझे एक मौका मिला कॉमेडी करने का, मैं कहा चल कॉमेडी कर लेते हैं, इतना सारा टैलेंट है तो फिर कैसे पता चलेगा कि मेरे में ये भी टैलेंट है गायकी के साथ साथ, गायकी तो है ही है। तो फिर मैंने वो शो जो था फर्स्ट रनर अप था, फर्स्ट रनर अप के बाद फिर मैंने कॉमेडी सर्कस वालों ने मुझे बुलाया, ऑप्टिमिस्टिक वालों ने, फिर मैं वो कॉमेडी सर्कस 2020 मैंने विन किया, वह जीत गया, और वो शो फिर जीतने के बाद बहुत सारे शोज़ करने का मौका मिला, जैसे 10 कदम मैंने होस्ट किया सलमान भाई के साथ, उनको बिठा के, अजय देवगन, फरदीन खान और मेरे साथ कृष्णा, सुदेश लहरी, वो फिर बहुत अच्छा रहा कॉमेडी में। साथ साथ में सिंगिंग का रियाज भी चालू था, खैर ये हिडन थी, किसी को पता नहीं था, बहुत कम, एकदम से फिर धीरे धीरे जैसे कॉमेडी का लेवल मैंने कम करता, क्योंकि मुझे पता कि कॉमेडी की छवि जो अलग है सिंगर की छवि अलग है, तो उस छवि को हटाने के लिए बहुत टाइम लग गया मुझे एक्चुअली। तो मैं इसमें एक और एक यूनिक चीज़ देखने मिलेगी, हम कहीं ना कहीं सॉन्ग जो गाते हैं उसका छवि दिखती है कि इससे मैच होती है, इससे मैच होती है, जैसे कोई नाम लिया जाए सुखविंदर या ऐसे, बट इसमें आपकी ओरिजिनल जो क्वालिटी है, आपकी वॉइस खुद की, वो दिख रही है, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरी खुद की 3-4 वॉइस हैं। मैं तो कम से कम 100 आवाज़ें निकालता हूँ एक्टरों की, लेकिन सिंगिंग में मेरी खुद की 3-4 वॉइस है, मुझे लगता है कि हाँ ये इस रोल के लिए फिट बैठी होगी, इस सिचुएशन के लिए फिट बैठती होगी, और वैसे ही हो जाता है। मैं पूछ लेता हूँ म्यूज़िक डायरेक्टर से, मोस्टली क्या होता है कि मैं पूछता हूँ क्या है, कैसा गाना है, इस टाइप का गाना चाहिए भाई, पंजाबी स्टाइल चाहिए, और डुगी बाज दी जस्ट लग गया, मुझे लाभ जैसी आवाज़ चाहिए, हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली, उसकी तरह की वॉइस है मेरे पास, या मुझे सुखविंदर की वॉइस चाहिए तो उस तरह की वॉइस है मेरे पास। ऐसे एक और जैसे एक गाना था मुझे मिक्का पाज ने गवाया था मिट्टी फिल्म में, उनकी एक मिट्टी फिल्म में पंजाबी मूवी, उसमें मैंने एक गाना गाया था लहू, उसकी मैं लाइन सुनाता हूँ। हाँ कुछ कलों कानू लहू कदे जीन नहीं देंदा, हाँ लहू तो अंग दा गोला है, लहू तो हर कोई बजदा है, लहू तो बदला लेंदा। ये एक लहू का एक अलग सा, उनको चाहिए था कि एक ऐसी सुखी पाजी जैसा जोश चाहिए, तो उनको मेरे में नजर आया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया मिक्का पाजी तू एक आ जा, तू किधर है, तो मैं यहाँ थी बैक रोड में मेघदूत बिल्डिंग के ऊपर एक स्टूडियो में था, स्टूडियो में मैंने बहुत ही प्यारा स्टूडियो में मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत वायरल हुआ पंजाब में, हिट किया, लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने, जो नहीं भी जानते थे, जो जानते थे, जो नाराज थे, उनका भी फ़ोन आ गया, खास करके ये होता ही है। तो वो गाने के बाद फिर मैंने अपना एक गाना भी निकाला था जाने कैसे, हाँ जी जाने कैसे एक रोमांटिक सॉन्ग है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा शायद। वो मैंने एक लंदन शूट किया एक्चुअली, क्या कि टिकट टू बॉलीवुड फिल्म बन रही थी, एक फिल्म है टिकट टू बॉलीवुड, हम शूट करने के लिए वहाँ गए बाहर लंदन, लंदन काफ़ी फ्री माहौल हो गया कि शूट, कभी छुट्टियाँ, मौसम वेदर के चक्कर में थोड़ा ऐसे डिले होता गया। उस दौरान मैंने क्या किया कि मैंने गाना शूट कर लिया जाने कैसे, जो मेरे पास पड़ा था उसका म्यूज़िक भी मैंने किया, लिखा भी मैंने और गाया भी मैंने, तो शूट भी मैंने कर लिया। तो उसका रैप सुनाता हूँ बाकी पोर्शन, वो जाने कैसे मैं तो खो गया, जाने कैसे दिल तो खो गया, उसका रैप, तेरी या इसका कसूर समझूं या तेरे गाल का चाल का कसूर समझूं या तेरे गाल का, ऐसी कोई रात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ना दिन और ऐसी कोई शाम नहीं जिसमें तेरा नाम ने, किसको सुनाऊं मैं दिल का हाल, मुझे समझ नहीं आता कैसे हुआ ये प्यार 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 प्यार, जाने कैसे मैं तो खो गया, जाने कैसे ये सब हो गया। या बाबा जी, आप कह सकते हैं मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सब कर सकते हैं,
इसके अलावा ये आपके गाने में फीचर इमेज भी हो रहे हैं, सो क्या सजेशन उनके तरफ से, कुछ सजेशन थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी है वो, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं सबसे पहले इस गाने की बात की जाए डुगी गाने की, तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आदित्य देव का, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हिमेश भाई से। हिमेश भाई का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी वॉइस को उन्होंने चूज़ किया और इतने लाखों करोड़ों सिंगरों के बीच में मुझे वो चांस मिला। डुग्गी वाजदी गाना मेरे झोली में बड़ा हिट सॉन्ग जिसे कहते हैं, हिट सॉन्ग मिलना बहुत बड़ी बात है, गाने गाने एक अलग बात है। तो एक कॉमेडी की छवि अलग है, लेकिन सिंगिंग की जो छवि अभी इस वक्त है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी है इस गाने की वजह से। तो मैं बहुत खुश हूँ पूरी टीम का, हिमेश भाई की पूरी टीम का और आदित्य भाई की पूरी टीम का। थैंक यू सो मच आदित्य देव एंड पायल देव। ओके राजपाल जी, आप देख सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड है, हमने आपको कॉमेडियन में देखा है, सिंगर में देखा है, एक्टिंग में देखा है, तो अब और क्या ऐसा इन फ्यूचर कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे या और आपके फैंस को क्या देखने मिलेगा आपके तरफ से? मैं मेरा तो अभी फिलहाल पूरा फोकस सच बताऊं कि मेरा सिंगिंग में ही है। हाँ, मेरा अगर लाइव शो देखोगे तो उसमें आपको कॉमेडी झलक भी मिलेगी, उसमें आपको अलग अलग करेक्टर दिखेंगे, आपको चेहरे अगर दिखेंगे तो उसमें दिखेंगे, अब वॉइस दिखेगी अगर सिंगिंग की तो मेरे लाइव शो में दिखेगी, जो लाइव शो मेरा धमाल होता है, 3-3.5 घंटे का शो, वन मैन शो, तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में करता हूँ, तो मेरे सबसे ज़्यादा शोज़ भी होते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग मुझे बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिलहाल ही ये 9 जैन को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था लोहड़ी का प्रोग्राम, तो वो भी एक डांसू शो रहा। तो मेरे में यही चीज़ है कि मैं फिलहाल सिर्फ फोकस, तो फोकस सिर्फ मेरा सिंगिंग की तरफ ही है। या ओके, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस के साथ? हाँ, मेरा काफ़ी एक प्रोजेक्ट तो आने वाले, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता, कहते कि जब तक वो चीज़ आ ना जाए, तो देखो अगर वो आ गया तभी तो फिर वापस आप आएंगे मेरी इंटरव्यू लेने के लिए। सो उससे पहले मेरे जो गाने रिलीज़ हुए थे वो थे 2018 जैन में रिलीज़ हुआ था रैन दे, काफ़ी फेमस हुआ था पंजाब में, काफ़ी अच्छा फेमस रैन दे जो गाना, बड़ा प्यारा लिखा गया और उसको म्यूज़िक भी मैंने किया था, प्रोग्रामिंग आदित्य देव ने करी थी और विक्की अग्रवाल ने भी करी थी साथ में, दोनों मिक्स करके। तो उसकी दो लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। आसमां च तेरा डिनर करा दूंगा, चांद तारे तेरे वेटर बना दूंगा, सूरज दहाड़ तेरे गले च पवा दूंगा, गल कर रोकेट च सैर भी करा दूंगा, हो ऐसी मारी तेरे तेन इश्क ने मारनी, तेरे बिना लगे सारी दुनिया बेकारनी, फड़ के हाथ गल कर लवा खासनी, बन जा जिंद मेरी कह दे मैनू जाननी, तेरे पिछे मैनू तेरी अखियां ने लाता, जिन्ना मैं पिछे लगा हक दे दे प्यार दा, करदा ना कम तेरा मैं हुण बारदा, रोला सारे पासे तेरी मेरी गल बात दा, रहन दे इहदे वस दी नी गल च ना रहन दे, ओ इहने हथ नी फड़ाना पला रहन दे, ओ इहने कर देना तेनू चला रहन दे। सो रहन दे गाना था, उसके बाद फिर मैंने एक बिल्कुल एक साल के बाद मेरे को नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने एक और गाना निकाला सेक्सी जुगनी, वो मैंने लंदन में शूट करा था, ये जो गाना था रैन दे, सॉरी ये जो गाना था रैन दे हमने शूट करा था यहाँ पर कच्छ में गुजरात में। जो सेक्सी जुगनी है उसके भी मैं बोल आपको सुनाता हूँ। हो गई जवानी फेर नहीं आनी, कर लै अखा चार हो, हो तीन चढ़ गया साल सोल मां, तेरे अंग अंग गल्ला बोलदा, हो जुगनी जुगनी हो सेक्सी जुगनी, हो गई जवानी फेर नहीं आनी, कर लै अखा चार हो, सेक्सी जुगनी 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 सेक्सी जुगनी है। ओके भाई जी, आपने मीका पाजी के साथ काम किया, हिमेश के साथ काम किया, ऐसे कोई विश लिस्ट है आपकी जिसको और आप किसी के साथ काम करना, कोई नाम शेयर करना चाहेंगे? मुझे सबके साथ काम करना है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंडस्ट्री के जो नए लोग हैं, जो पुराने करिंदे बैठे हुए हैं, मतलब काम करके शेर बब्बर शेर बैठे हुए हैं इंडस्ट्री की म्यूजिक, मैं चाहता हूँ वो उनके साथ भी काम करूँ, और जो नए यंगस्टर हैं जैसे रैप में भी कुछ भी उसमें मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। एक दो नाम अगर लेना चाहता, मैं सबके साथ जाने की, मैं मीत ब्रदर के साथ भी काम करना चाहता हूँ, प्रीतम दा के साथ भी काम करना चाहता हूँ, मैं मोंटी शर्मा के साथ भी, जो अभी फिलहाल ही हिडन लेकिन उनके पास बहुत बड़ा बैंक है, हिमेश भाई के साथ काम करना चाहता हूँ, साजिद वाजिद भाई के साथ काम करना चाहता हूँ, सबके साथ। मैं ऑलरेडी खुद भी कंपोज कर रहा हूँ लेकिन उनका मज़ा कुछ और है ना। तनिष बख्शी के साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत मतलब बड़े बड़े जिनका भी नाम अभी मैंने नहीं लिया, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। ओके लास्ट पाजी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही जल्द आपकी मूवी भी जो आ रही है जो जिसमें आपका गाना है, हाँ जी, रिलीज होने जा रही है, और एक सॉन्ग अगर उस पे हो जाए तो सुना बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको डफ में सुनाता हूँ।
वैसे मेरा यही है कि प्लीज आप इस गाने को प्यार दें. वैसे तो आपको दुनिया देती रहती है और आप उसमें अमल भी करते हैं कि नशा छोड़ो और अपने तरफ ध्यान फोकस करें और अपनी परिवार पे प्यार बना रहे. आप सबका यही एक मैसेज है जो होता ही है. तो ये डुग्गी के साथ मैसेज, प्लीज़ इसको प्यार दें. ये बहुत बड़ा हिट गाना मेरे लिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ गानों को. गाने होते बच्चे जैसे. चलो मैं आपको गाना सुनाता हूँ डुग्गी. हो जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिक टॉक टिक टॉक तू चल दी, हाई कलेजे विच डुग्गी वज दी, कलेजे विच डुग्गी वज दी, आहो कलेजे विच डुग्गी वज दी, आहो कलेजे विच डुग्गी वज दी. जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिक टॉक तू चल दी, हाई कलेजे विच डुग्गी वज दी, कलेजे विच डुग्गी वज दी, आहो कलेजे विच डुग्गी वज दी, आहो कलेजे विच डुग्गी वज दी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा खूब था और बहुत ही जल्दी मिले. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली आप बहुत जल्दी हमें मिलने वाले हो, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी गाने आने वाले हैं और भी. थैंक यू.